नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लिए लाया हूं बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का रोमन अंक 6 एवं 7, जिसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सब वीडियो में बने रहें क्योंकि बोर्ड के दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका पांचवा का रोमांक 6 कहता है, करनी में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर sec ए प्लस tan ए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड को तोड़कर आपको लाना है राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हम लोग हाल में दिया है, आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, आप डाल सकते हैं करनी में। उसके बाद यहाँ लिखेंगे आप लोग हरों का परिमेयीकरण करने पर, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं हरों का परिमेयीकरण करना, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। तो ऊपर वाले को अंश और नीचे वालों को हर बोलते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए गुणे, आप देख पा रहे हैं हर में माइनस है तो ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, और नीचे में भी आपका हो जाएगा प्लस में, आप डाल सकते हैं इसको करने में। उसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं आपका a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और a प्लस बी जैसा रूप ले लिया है, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a, यानी एक में गुणा करें एक का स्क्वायर एक प्लस साइन ए में गुणा करेंगे साइन ए का, आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन a माइनस बी a प्लस बी आपका हो जाएगा a² - b² अर्थात साइन स्क्वायर ए, आप लिख सकते हैं करनी में। उसके बाद आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 - sin² a। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर a अपॉन 1 - sin² को लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos² a। उसके बाद आपका करनी हटेगा तो यहाँ से वर्ग भी अर्थात स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, आपका बच जाएगा 1 प्लस साइन a अपॉन यहाँ से आप करनी हटाएंगे आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका बचेगा cos a, आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आप लिख सकते हैं 1 बटा में cos a प्लस साइन ए अपॉन आपका हो जाएगा cos a। आप 1 बटा में cos a को लिख सकते हैं sec a आपका हो जाएगा प्लस साइन ए बटा में cos a है तो आपका हो जाएगा tan a, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड, आप लिख सकते हैं प्रूफ अर्थात सिद्ध किया गया। आई होप आपको 8.4 का पांचवा का रोमन अंक 6 भी समझ में आ गया है। चलिए आइए हम लोग पांचवा का रोमन अंक 7 को हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग रोमन अंक 7 का हल, लिखेंगे हम लोग दिया है आपका लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हो जाएगा sin θ - 2 sin q θ अपॉन 2 cos q θ - cos θ, आपको तोड़ कर लाना है
लेफ्ट हैंड साइड को बराबर में लाना है आपको टैन थीटा, अर्थात राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉमन, आपका बचेगा यहाँ वन माइनस टू साइन, यहाँ हो जाएगा आपका स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से आप कॉस या कॉमन ले सकते हैं, आपका बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। उसके बाद आप सबको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू वन माइनस टू, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं आप वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन हो जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप ऊपर में या नीचे में, अंश में या हर में एक जगह बदलेंगे तो आगे देखिए आपका हो जाएगा साइन थीटा वन माइनस टू से गुणा करेंगे वन में आपका हो जाएगा टू, और माइनस में गुणा करें माइनस में, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, आपका हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर थीटा, आपका हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा साइन थीटा, आप देख पा रहे हैं दो में से एक घटेगा तो आपका बचेगा माइनस वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। आप अंश में देख रहे हैं माइनस वन है और प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा है, और हर में देख रहे हैं प्लस में टू कॉस स्क्वायर थीटा है और माइनस वन है। आप यहां से काट सकते हैं, आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टैन थीटा, ये हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, अर्थात सिद्ध किया गया। तो आई होप कि आपको समझ में